की खूबसूरती का राज कुछ भी नहीं बट होते हैं। माशाल्लाह खूबसूरती का राज क्या है, क्या लगाती हो फेस पे? कुछ भी नहीं, बताते रही हूँ, बट यही काफी है। लड़कों की आदत है, जहाँ प्यारी लड़की देखते हैं पीछे पड़ जाते हैं। तो सर शादीशुदा है? नहीं। कब होनी है? कोई पता नहीं अभी तक। लड़की मिल गई? नहीं। लड़की भी नहीं मिली अभी, बहुत बड़ा मरहला आपने अभी पार करना है, आग का दरिया डूब के जाना है। अगर कोई लड़की आपसे बात कर रही हो तो आप उसे जान छुड़ाने के लिए कौन से झूठ बोलते हैं? हम लड़के से बात ही नहीं करते कभी, यही नहीं है। आपने कभी जान छुड़ाई है इनसे? नहीं, जान तो नहीं छुड़ाई, कभी भी नहीं छुड़ाई। क्या फेविकॉल के साथ चिपके होते हो हर वक्त? जी। फेविकॉल के साथ चिपके होते हो हर वक्त? जी जी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूँ फातिमा वसीम। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी हम लोग आए हैं जू में ताकि हम फैमिलीज के साथ कर सके थोड़ी बहुत गपशप और लगा सके ढेर सारा शुगर। तो आज का मेरा ये सवाल है कि ऐसा कौन सा झूठ है जो अक्सर औकात हम लोग अपने बड़ों से या किसी ना किसी से बोल जाते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए। तो आइए बात करते हैं फैमिलीज से, मिलते हैं कपल से और जानते हैं कि उनके दिलचस्प जवाब क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चार बच्चों की फौज मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आज का छुट्टी का दिन कैसा आपका गुजरा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मेरा ये क्वेश्चन है, घर में शरारत वगैरह करते हो? करते हैं जी। ऊंचा बोलो बेशक। करते हैं, ढेर सारी शरारतें करते हो। तो उन ढेर सारी शरारतों में से किस शरारत पे सबसे ज्यादा डांट पिटती है? कोई चीज तोड़ दी या फिर घर में कपड़े इधर से उधर कर दिए, घर को गंदा कर दिया, गंदा कर दिया, घर में जहाँ खाना खाना है वहीं पे छोड़ दो, बाद में उठाना नहीं, इस बात पे तो सबसे ज्यादा ही पड़ती है। अच्छा, कौन सा ऐसा झूठ है जो अक्सर आप लोग अपने पेरेंट्स से या किसी और से जान छुड़ाने के लिए बोलते हैं? मिनट रुक, मैं एक मिनट में आया। ये तो दोस्तों के साथ है ना, जो मम्मा के साथ घूमते हैं, अगर वो चीज़ ना मिली, अगर वो चीज़ हो या फिर हमारे पैसे घूम जाएं तो हम खा लें तो कहते हैं घर जाके पैसे घूम गए हैं। अगर पैसे वगैरह घूम जाए तो कहते हैं हम लोग चीज खाए। अगर भाई से ग्लास टूट जाए और बहन पर इल्जाम आ जाता है कि बहन ने किया, हमने किया ही नहीं कुछ। इतने स्वीट से झूठ है। अच्छा मुझे अब गाना कौन सुनाएगा? गाने नहीं आते। शेर आता है? आता है। ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल पे फिदा होता, ना आप इतने हसी होते, ना दिल आप पर फिदा होता। क्या बात है, किसके लिए था? आपके लिए। थैंक यू सो मच, दिल इसका मेरे पे फिदा हो गया। मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही प्यारी सी लड़की जो बैग देने के लिए जा रही है, बट बैग देने की जरूरत नहीं है, इतनी क्यूट है। माशाल्लाह आपकी खूबसूरती का राज क्या? कुछ भी नहीं, बट होते हैं। तो माशाल्लाह खूबसूरती का राज क्या है, क्या लगाती हो फेस पे? कुछ भी नहीं, बताते रही हूँ, बट यही काफी है। मेरा एक सवाल है यहाँ पे तमाम तर लोगों से कि ऐसी ऐसा कौन सा झूठ है जो आप अक्सर बोलते हो अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी से, किसी लड़के से या लड़की से? सबसे। लड़की होगी तो उसको कहूँगी तुम मेरे लेवल की नहीं हो, और लड़का होगा तो उसको कहूँगी भाई मेरी मंगनी हुई है। भाई मेरी मंगनी हुई है? लड़कों से वैसे जान छुड़ाने के लिए ये क्यों हम सारे कहते हैं भाई मेरी मंगनी हुई हुई है, मैं कमिटेड हूँ, बंदा हमें मार देगा? क्योंकि उससे पहले वो जान ही नहीं ना छोड़ता, इसलिए कहना ज़रूरी है। तो जान के पीछे पड़ते ही क्यों है? लड़कों की आदत है, जहाँ प्यारी लड़की देखते हैं पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा मुझे कोई मज़े का गाना या कोई शेर व शायरी सुना सकते? नहीं, दोनों ही नहीं आते। ये तो पहेलियाँ, मैं कहती हूँ कि टांग ट्विस्टर तो हमारे स्कूल के चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चट्टी चटाई। चले ये बोलो, चंदू के चाचा ने, नहीं एक बार दोबारा बोलो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। बस 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 हो गई है। चलो ठीक है, इसी में आपको हम बख्शते हैं, लेकिन इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू एंड मज़ा आया बात करके। तो जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल क्या करते हैं? यहाँ वैसे घूमने आए हुए। यहाँ घूमना है, नर्वस क्यों है इतने, आपके पसीने छूटे हैं? खैर गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से? अच्छा गर्मी की वजह से इनके पसीने छूट गए। तो सर शादीशुदा है? नहीं। शादी अभी होनी है? अभी होनी है। कब होनी है? कोई पता नहीं अभी तक। अच्छा अभी कोई पता भी नहीं इनकी शादी का। लड़की मिल गई? नहीं। अच्छा, लड़की भी नहीं मिली अभी, बहुत बड़ा मरहला आपने अभी पार करना है, आग का दरिया डूब के जाना है। अच्छा सर मेरा एक सवाल है सबसे, कि सवाल ये है कि अक्सर ऐसा कौन सा झूठ है जो हम आवाम से बोल जाते हैं किसी से भी जान छुड़ाने के लिए, हम अक्सर कोई झूठ बोलते हैं, वो झूठ आपका कौन सा है? पक्का
बात झूठ हो पता चलता है कि हाँ मैंने हर बात पे यही झूठ बोला। अगर कोई लड़की आपसे बात कर रही हो तो आप उसे जान छुड़ाने के लिए कौन से झूठ बोलते हैं? हम लड़के से बात ही नहीं करते कभी, यही नहीं है। घर में अम्मियाँ वगैरह बहनें नहीं होते हैं? हाँ, तो उनसे भी जान छुड़ाने के लिए अक्सर कौन सा झूठ बोलते हैं? हम तो जान कभी छुड़ा ही नहीं है ना अम्मी से ना बहन से। जाए वाले कहते हो जा बीबी माफ कर, बाद में कहते हो कि आप जा बीबी माफ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। अरे किसी दोस्त से जान छुड़ानी, मसलन इससे जान छुड़ानी। इससे जान छुड़ाने तो छुड़ाते ही नहीं हम, जान तो साथ रहते, जब घूमने आए तो साथ ही रहते हैं हम। अरे वक्त साथ रहते हैं, वक्त साथ ही रहते हैं। ये कौन सा ऐसा बंदा है यार जो मुझे कह रहा है कि मैं जान ही नहीं छुड़ाता? आपने कभी जान छुड़ाई है इनसे? नहीं, जान तो नहीं छुड़ाई, कभी भी नहीं छुड़ाई। क्या फेविकॉल से चिपके होते हर वक्त? जी, फेविकॉल के साथ चिपके होते हर वक्त? जी जी। अच्छा, ये फेविकॉल के साथ चिपके होते हैं। अच्छा, आप कोई गाना या कोई शेर बोलेंगे? बण मुखलिस ते ढोला गरदारी छोड़ दे, जे गैरन पसंद मसाद सारी यारी छोड़ दे। एक पठान है मेरे पास, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं लग रहे हैं शेर। आप शेर हैं? आप कंजूस होंगे? नहीं नहीं जी, शेर कंजूस नहीं होते। कैसे होते हैं? तो हम ही गल्ला ही बने हैं। शेर फिर किस तरह होते हैं? मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी शेख माफी दे बरादरी सपान भी प्यारी होंगी। अच्छा मुझे एक बात बताए, मेरा सबसे एक सवाल है और सवाल ये है कि ऐसा कौन सा झूठ है जो अक्सर आप लोगों से जान छुड़ाने के लिए बोलता है? यार मैनू कितने काम मैं लड़की फोन पे बात कर रही हो तो अगर आपकी जान खा रही हो तो क्या झूठ बोल के उसे जान छुड़ा? मुझे घर काम है या इधर और कोई काम है ये कह के जान छुड़ा। जान छुड़ानी पड़ती क्यों है? वैसे ही हूँ मेरा ब्याह होया, मैं तुम्हें की दसा। ब्याह होने तो बाद भी गर्लफ्रेंडा रखी हो फिर तुम तो कहते कुड़िया को जान छुड़ानी हो तो फिर बंदा इस तरह छुड़ा? नहीं नहीं, असी जान नहीं छुड़ाई दी, पसंद की शादी कराई है, पठाना हल कराई है। पठाना हल कराई है तो पठान तो वैसे ही बंदूक लेके खड़े होते हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत चंगे लोग हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जाफर सईद। जाफर सईद कहाँ से हो आप? पाकपतन से। पाकपतन से लाहौर आए हो घूमने के लिए? जी। चिड़ियाघर ही लब्बा से? नहीं, इससे पहले म्यूजियम में गए हैं। अच्छा, नहीं तो मैंने कहा कि चिड़ियाघर शायद आप उसके लिए ना आए हो ना कि कोई पिंजरा किसी के लिए बुक कराना हो या किसी को अंदर भेजना? नहीं, पिंजरे काफ़ी खाली हैं, कोशिश है कि यहाँ से ही कुछ हमाम पकड़ के भेज दें, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत कम जानवर जो है ना यहाँ पे रखे हुए हैं ना, हाथी है और जो है ना चीता है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें मौजूद नहीं है। अच्छा, मेरे एक सवाल है यहाँ पे सबके साथ कि आपका ऐसा कौन सा झूठ है, पक्का झूठ, जो आप अक्सर औकात लोगों से जान छुड़ाने के लिए बोलते हैं? पक्का झूठ टेंशन ना ले मैं कर देंगे। क्या लोग कहते हैं ना काम हो जाएगा, मैं टेंशन वाले काम हो जाएगा, सबसे पक्का झूठ यही है, कोई नहीं होता मुझसे। हो जाएगा नहीं, नहीं होता, नहीं होता। और अगर किसी लड़की से जान छुड़ानी हो तो क्या कहते हो? लड़की अल्लाह का शुक्र है ना फसाई है और जान छुड़ाना बहुत दूर है, तो बेहतर है बस कोशिश है दूर रहते हैं उनसे, अपना जो है ज़रूरी काम जो हो जिस पर फोकस रखना चाहिए मेन उस पर ही होता है। और अगर घर में अम्मी आपको कोई काम कहते हैं आपको करने का दिल ना कर रहा हो जान छुड़ाने के लिए, क्या बोलते हो? नहीं, अम्मी से जान नहीं छुड़ाता कभी, क्योंकि वालदा तो जो है ना कभी उनकी चीज़ को मना नहीं करता मैं, तो अगर वो मुझे जो भी काम कह दे, डांट मिले या जो भी हो, तो मैं वो पहले नंबर पे करता हूँ। अभी भी मैं लाहौर आने से पहले एक ही चीज़ की टेंशन में था कि घर में काम वगैरह कौन करेगा, सभी ये चीज़ें सोच के आया था, तो वालदा सबसे पहले है, क्योंकि वालदा साहब तो है नहीं, तो इसीलिए जो है ना कोशिश होती है कि वालदा की हर चीज़ पहले नंबर पर मौजूद हो। अच्छा चलिए, थोड़ा सा शुगर लगाते हैं, आपको गाना सुना सकते हैं? गाना नहीं, मुझे गाना नहीं आता, कोई और पहेली पूछ ले, कोई सवाल होता है या जो भी है। शेर सुना सकते हैं? इकबाल के कई शेर है जो याद है मेरे ख्याल में, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, अभी तेरे आगे आसमां और भी है। उसके अलावा अगर आपसे मैं एक पहेली पूछूं तो शायद आप जवाब दे सकें या ना? पता नहीं, पूछ लें आप। दो लफ्ज़ हैं ए और बी, अब उसमें ए बी का बाप है, बी ए का बेटा नहीं है, अब बताएं इसका जवाब क्या है? बी ए का बाप है, बी का बाप है, बी ए का बेटा नहीं। ए बी का बाप है, बी ए का बाप है, हाँ। और ए जो है वो बी का बेटा नहीं है। हाँ, तो बी फॉर बाप हो गया ना, तो ए उसका बेटा कैसे बन सकता है? बी फॉर बेटा ही होगा। पहले समझ नहीं सकी, ए जो है वो बी का बाप है और बी जो बी है वो ए का बेटा नहीं है। थैंक यू सो मच, लेकिन अब अगर मैं आपको एक टास्क दूँ तो आप कर लोगे? क्या टास्क? कच्चा पापड़ कच्चा पपीता पक्का पपीता, 10 बार बोलना और फास्ट बोलना।
कच्चा पपीता पका पपीता। इनका कच्चा पक्का जो है ना सेंटर में आके मर्ज हो गया था। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरशाद हसन। कहाँ से हो? डीजी खान से। डीजी खान से आप भी? अच्छा अच्छा, तो आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा झूठ है जो आप अक्सर बोलते हो लोगों से? जान कन्फ्यूज हो जाता हूँ ना, अक्सर बात नहीं करता। अच्छा, कन्फ्यूजन में बात ही नहीं करते जी। नाइस, तो आप क्या हमें गाना सुनाओगे, शेर सुनाओगे? गाना थोड़ा सा। चलो सुना दो। ए अगर मुझे तू कभी ना मिले, हम सफर मेरा तू बने ना बने, फासलों से मेरा प्यार होगा ना कहूँ, तू ना होगा कभी अब जुदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते कभी मेरा ये प्यार होगा ना कहूँ, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। शुक्रिया, आपने गाना तो बहुत अच्छा गाया। इतनी देर से किधर छुप के बैठे हुए थे? बस यहीं खड़ा था। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब आगे बैठते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक यार। खूबसूरती का राज क्या, मुझे भी कुछ बता दो, मेरी स्किन ही टैन हो ये बस ऐसी आप शर्मा बहुत ज़्यादा नहीं है अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आप लोगों ने किसी से अपनी जान छुड़ानी हो तो आप स्पेसिफिक ऐसा कौन सा झूठा जो आप लोग अक्सर बोलते हैं बताए ना डैडी कौन सा झूठ बोलते हैं? मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है घर में, मैं जल्दी जाना कर अरे अच्छा ये झूठ बोलते हैं। आप क्या झूठ बोलती है किसी दोस्त से जान छुड़ाने के लिए? किसी से भी जान तो नहीं छुड़वाई आज तक किसी से। किसी दोस्त से छुड़वाई हो? कोई दिमाग खा रहा हो बहुत ज़्यादा? दोस्त ही नहीं है कि मेरी दोस्त तो इनका मेरे वाले केस है। ओके, ये वैसे भी यहाँ के नहीं है ना, कोयटा के हैं ये। अच्छा कोयटा से हैं भाभी, तो भाभी हमें कोई गाना ही सुना दें भाई के लिए, खुश हो जाएंगे। मैंने गाना गाया ना, जो जिसने गाना गाया वो रोएगा कोई बात नहीं, हम रो लेंगे। मैं कहती हूँ मैं तेरी बैठ जाऊंगी, मैं बैठ के रो लूंगी, आप मुझे गाना सुना दें। नहीं इनसे सुने, इनको अच्छा नहीं। नहीं नहीं मुझे गाना वगैरह, भाभी के लिए गाना नहीं गा सकते, ये कौन सी बात है? नहीं नहीं गाना गाना बिल्कुल नहीं आता। इसको मुझे पकड़ा दे आप, इनको गाना सुना दे, शेर सुना दो। वो भी नहीं आता मैंने। अच्छा मियाँ वहाँ से भागने की कह रहे हैं, बीवी सारे पोल खोली जा रही, वो कह रही पूरी शेरों की डायरी लिखी हुई। अच्छा कौन कौन से शेर है? मुझे नहीं दी इन्होंने, अपनी लॉकर में रखी हुई है। इसके लिए रखे थे? कौन से ज़माने में लिखे थे? नहीं नहीं वो तो किसी दोस्त की मैंने उठाई हुई है, मेरी कोई जाती नहीं है उसकी, मैंने बस गैप की हुई थी बस। फिर उसको उस जिस दोस्त के पास की शेर वाली डायरी ख़त्म है ना, वो भाई साहब ने लिया। ईशान और रिदा हमारे साथ जो मौजूद हैं, वो गाना पहले आपके चक्कर में जो है ना वो कह रहे हैं, मैंने टास्क दूंगी तो फिर आप रोएंगे। नहीं बस आपने टास्क इतना बोला था ना कि बस छोटा सा। नहीं मैंने छोटा सा एक टास्क भी देना है ना। नहीं चले छोटा से दे दें, छोटा सा टास्क ये है, बच्चे को मुझे दें, इनको प्रपोज करें, कोई इजी सा दे दें इधर मुझे। बहुत इजी है, मैं घुटने पे बैठने से थी मैम, आगे सामने हुए, आपने बस ये करना है, विल यू मैरी मी, दैट्स इट। और क्या करना है, मैं कर रही हूँ, लड़की होगी आप लड़के होगी नहीं कर सकते, वो भी बीवी के साथ करना है। चलें ठीक है कोशिश करते हैं। हाँ इसको मुझे दे, चलें आजा बच्चा, आजा आजा तेरे अम्मी अब्बू को आज हम लोग ना प्रपोज कराते हैं। चलो घुटनों पे बैठना लाजमी, वैसे बोल देता हूँ। बीवी को प्रपोज करना है क्या करना है? आपके टास्क मुश्किल होते जा रहे हैं हमारे लिए। मेरे टास्क मुश्किल नहीं, आपने खुद अपने लिए मुश्किल पैदा की है। चले गो अहेड, इतना काफी है। विल यू मैरी मी, देख लो विल यू मैरी मी में नो आ गया, बीवी ने इनकार कर दिया। चलो जी
दोबारा मतलब कि आपने इनके साथ शादी नहीं करनी? नहीं नहीं करनी क्यों? तो फिर आपने नो क्यों कहा बेचारे को? आपने पकड़ के लाइव शो के अंदर ही तड़पाना चाहिए ना, क्या करना चाहिए? तड़पाना चाहिए। ओहो तड़पाना चाहिए, बहुत ज्यादा ही तड़पा रही। बस थोड़ा तड़पाना चाहिए इनको। पहले जल्दी मान गए ना सुलमी, इसलिए अभी कर रहे ना करे। अच्छा पहले जल्दी मान गए थे, अब ये प्रैक्टिस ना आपने इनसे रोज करानी है, ठीक है? जी जी जरूर। थैंक यू सो मच। वो भी कह रहे वो भी कह रहे कि आपने बिल्कुल आपने रोज ये प्रैक्टिस करनी है ना। चलो बाय 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 बाय। चले ठीक है, थैंक यू सो मच, मजा आया आप लोगों से बात करके, इनके साथ टास्क करके भी बहुत मजा आया, मैंने उनको घुटने के बल बिठा दिया प्रपोज करने के लिए। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।